जय हिंद इस में विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे विशेष इन्फोटेक्निक्स को एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जाना जाता है लोगों के बीच इन दोनों के नाम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है और दूसरा कन्फ्यूजन इसके प्राइस को लेकर है एनएससी पर प्राइस कुछ और है और सी पर प्राइस कुछ और है और इन दोनों प्राइस के बीच काफी डिफ्रेंस है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के प्राइस के बीच इतना अंतर क्यों है और साथ में यह भी बताऊंगा कि मार्केट के रिकवरी के बाद आखिर इसमें इतना सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है ताकि इसका लोअर सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है यह भी बताऊंगा कि अपर सर्किट लगने की संभावना कब से और भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में बस आप लास्ट तक बने रहिए और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बोर्ड पर जहां हर एक चीज एकदम आसान भाषा में बताऊंगा उसके पहले आपको बता दूंगी यह कंपनी काम क्या करती है समझेंगे ये जो कंपनी है आप देखिए यहाँ आई सेक्टर से तो बिलोंग करती है आई सेक्टर में भी दो तीन सेगमेंट में यह जुड़ी हुई है सबसे पहले तो आई सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है

माह में बहुत कम समय में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद अब शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तीन कारण है समझिए एक तो इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत अधिक है, है आज के दिन आप देखेंगे तो एन पर जो कंपनी लिस्टेड है उसमें लगभग तेरह करोड़ पंद्रह लाख सेलिंग ऑर्डर देखने को मिला है जबकि इसमें लोअर सर्किट लगा है उसके बावजूद लोग बेचने के लिए बेचैन है पता नहीं देखिए जब अपर सर्किट लगता है तो लोग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं और जब लोअर सर्किट लगता है तो बेचने के लिए पागल हो जाते हैं और समझिए बी पर यह जो लिस्टेड है उसमें आज के दिन दो करोड़ पचपन लाख सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है जबकि लोअर सर्किट दोनों पर लगा है बी एस पर दोनों में लोअर सर्किट में लोग बेचकर बस कैसे भी निकल जाना चाहते हैं और दूसरा कारण है प्रो प्रमोटर्स ने प्रॉफिट बुक किया है इसके बारे में आप आपको आगे बताऊंगा प्रमोटर्स ने कैसे प्रॉफिट बुक किया है और तीसरा कारण तो आपको पता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है जिसके चलते मार्केट का सेगमेंट कुछ ठीक नहीं है अब आप यहाँ समझिए अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है एक रुपया बीस पैसा है मतलब अगर एक रुपया बीस पैसा से ऊपर जाता है तब शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है हालांकि अभी शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप रेजिस्टेंस लेवल को भूल जाइए सपोर्ट लेवल की बात करते हैं देखिए अभी यह है शेयर प्राइस एक रुपया पंद्रह पैसा तो यही इसका सपोर्ट लेवल है एक रुपया पंद्रह पैसा क्योंकि यह जब कंपनी का शेयर प्राइस तीस पैसा से उठना शुरू हुआ था तो इसका ग्राफ आप देखेंगे डायरेक्ट टूटा और चल गया है एक रुपया सत्तर पैसा तक बीच में कहीं रुका नहीं तो जब इस तरह का ग्राफ बनता है कंपनियों के चार्ट में तो उसके बाद जब शेयर प्राइस गिरना शुरू होता है ना तो बहुत कम सम्भव

के आसपास आएगा। हालांकि तीस के आसपास आने का मतलब हुआ इसका जो बुक एक इसका शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के डाउन आ जाएगा लेकिन ऐसा प्राइस अपने बुक वैल्यू के नीचे आ जाए लेकिन पता इसमें इतना क्यों खींच रहा है था अब तक इसमें लेकिन ऐसा आज के दिन भी नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है ज्यादा दिन यह लोअर सर्किट नहीं चलेगा जल्द इसका लोअर सर्किट ब्रेक होगा और शेयर प्राइस तरफ जाने लगेगा देखेंगे इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था दिसंबर तिमाही का कितना शानदार आया था तेरह लाख से चौरानवे लाख रेवेन्यू बढ़ा तीन माह में मतलब नतीजे आए हैं कंपनी काम का कामकाज बेहतर चल रहा है प्रॉफिट देखिए कंपनी क्वार्टर टू में प्रॉफिट नहीं थी कंपनी को लॉस हुआ था एक करोड़ तीस लाख का लेकिन क्वार्टर थ्री में कंपनी ने अपने को कम किया और एक से कम आ हुआ है अब समझिए प्रोमोटर्स का जो प्लीजिंग होता है जब प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रख देते हैं उसको अब कम करें धीरे धीरे दूसरा समझिए इन ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया क्योंकि जो मंथली अपडेट आते हैं

तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी अब समझिए अब आप क्या कर सकते हैं आप इसको एवरेज कर सकते हैं अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको एवरेजिंग समझ में आता होगा जैसे जैसे प्राइस कम होता है आप उसको बाई करते रहिए आपका एवरेजिंग होता रहेगा और नए लोग हैं एंट्री ना जाए तो बेशक ले सकते हैं कंपनी काफ़ी शानदार आने वाले समय में मल्टी वेगर रिटर्न देगी कंपनी मल्टी वेगर स्टॉक बनेगा आप बेशक बाई कर सकते हैं लेकिन बाई करने से पहले अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर बाई मत कीजिएगा एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि इस पर वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है और हर एक लोगों का जो डिमांड रहता है हर एक डिमांड के ऊपर मैं वीडियो नहीं ला सकता भाई टाइम लगता है इसलिए अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए वहां पर मैं उस कंपनी के बारे में सारे डिटेल आपको बता दूंगा आप समझ जाएगा उम्मीद करता हूं इस पार्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिल गई होगी फिर भी अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद शुक्रिया